दतिया में दवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दवा व्यापारी के यहां कार्य करने वाले कर्मचारी ने ही वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसे साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दतिया के इंद्रगढ़ में दवा व्यापारी घनश्याम दास अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तीन नकाबपोश बदमाशों ने लूट के इरादे से व्यापारी पर फायरिंग की थी। पुलिस ने SIT टीम गठित कर सक्रियता से आरोपियों की तलाश शुरू की और महज दो दिन में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। दतिया SP वीरेंद्र मिश्रा ने घटना से पर्दाफाश करते हुए बताया कि दवा व्यापारी के यहां काम करने वाले कर्मचारी ने ही साथियों के साथ मिलकर लूट के इरादे से घटना को अंजाम दिया था। दो तारीख की और हमारे पास में केस का पूरा खुलासा हो गया है कि क्या था और इसमें मुख्यतः जो कंस्पायरर्स थे वो घनश्याम जी के यहाँ काम करने वाले थे। उस दिन जो सफ़र कर रहे थे साथ में उनके गाड़ी में ब्रजेश प्रजापति थे, तो वो मेन लीड कर रहे थे जो आरोपियों को हर समय हर वक्त का हर मोमेंट का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। उनका ही उनका कहते हैं कि मन था हमारा अगर पहले देखा जाए तो उन्होंने शूट किया उसके बाद डाची ये प्रयास किया है। दोनों के जो भी हमारे पास में नाम निकल के आया है बंटी कुशवाहा नंदू कुशवाहा दोनों के अपराध है, पूर्व में अपराध है, काफ़ी अपराध है और जो राशि का वो लेके नहीं जा पाए थे करीब 1.25 लाख रुपये था उसमें, तो वैसे ही अपराध कराया गया था वो लेके नहीं जा पाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।